सिंगल डिस्प्ले सेटअप के साथ लाइव स्ट्रीम करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। कई बार हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि लाइव चैट को रिस्पॉन्ड करें या अपनी गेमिंग पे कंसंट्रेट करें या अपने OBS को कंट्रोल करें। कई बार सीन वीन चेंज करना वगैरह रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने पुराने स्मार्टफोन से, 7 से 8 साल पुराना भी स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो उससे कैसे हम लोग अपने OBS को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन को एज ए स्ट्रीम डेक यूज़ कर सकते हैं फ्री में। आई होप स्ट्रीमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा और पसंद आएगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और हम लोगों ने देखा है जो फेमस स्ट्रीमर्स होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा एक व्यूअर बेस है, उनकी सेटअप में हम लोग एक हार्डवेयर देखते हैं स्ट्रीम डेक के नाम से। स्ट्रीम डेक एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा होता है जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर बटन्स होते हैं और हम लोग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उन हार्डवेयर बटन्स पे अलग अलग टास्क असाइन कर सकते हैं। मतलब आप एक बटन दबाएं तो OBS में सीन चेंज हो जाए, मतलब OBS उससे कंट्रोल हो सकता है। तो काफ़ी प्रोफेशनल सा लगता है, बढ़िया सा लगता है। लेकिन हमारे आपके जैसे स्ट्रीमर्स जो अभी ग्रो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, वो उतना महंगा अभी हार्डवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज इंडिया में उसकी कीमत जो है वो 9,000 से 14,000 के बीच में है। तो जल्दी से देखते हैं कैसे हम लोग अपना स्मार्टफोन जो है वो स्ट्रीम डेक की तरह इस्तेमाल करेंगे और OBS स्टूडियो को उससे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को अपने स्ट्रीमिंग PC में डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं 2 छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स, एक एक्चुअली प्लगइन है। तो सॉफ्टवेयर जो हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नाम है टच पोर्टल, जिसको हम लोग डाउनलोड करेंगे touch-portal.com नाम से एक वेबसाइट से। मेरे ख्याल 60-70 MB के आसपास का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड हो जाएगा। और एक छोटा सा प्लगइन है OBS का जिसका नाम है OBS वेब सॉकेट। उन दोनों को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे अपने स्ट्रीमिंग PC में, और अपने स्मार्टफोन में हम लोग डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, दोनों ही जगह मौजूद है टच पोर्टल नाम से जो ऐप है उस। ओके, तो हम लोग आ गए हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। हम लोग जा रहे हैं touch-portal.com पे, एंटर करते हैं और यहाँ से आप देखिए कि आप स्ट्रीम लैब्स और OBS दोनों को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए विंडोज़ के लिए। नीचे आया, यहाँ पे देखिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल द स्टार्टअप ऑन डेस्कटॉप और विंडोज़। यहाँ पे मैं विंडोज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक किया यहाँ पे और एक फाइल डाउनलोड हो रही है अभी। इसको डाउनलोड होने देते हैं, करीब 94-95 MB के आसपास की फाइल है। ओके, सो टच पोर्टल डाउनलोड हो गया है। हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं जल्दी से, वही टिपिकल विंडोज़ इंस्टॉलेशन जैसे होती है। एक बार रन करेगा, उसके बाद नेक्स्ट 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 इंस्टॉल करके फिनिश करेंगे इसको जल्दी से। तो मेरे ख्याल से विजर्ड शुरू हो जाना चाहिए। ओके, सो एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डेस्कटॉप भी ठीक है, नेक्स्ट और इंस्टॉल। टिपिकल विंडोज़ इंस्टॉलेशन सिंपल है, सभी लोग इजीली कर सकते हैं। एंड एज सून एज इट गेट्स फिनिश्ड, इसके पूरा होते ही हम लोग डाउनलोड करेंगे जो हमारा OBS का वेब सॉकेट है उसको। ओके, सो टच पोर्टल सॉफ्टवेयर की जो इंस्टॉलेशन है फिनिश हो गई है। जल्दी से हम लोग रीस्टार्ट करते हैं अपना PC और दोबारा से आते हैं और डाउनलोड करते हैं जो OBS का वेब सॉकेट जो है उसको। ओके, तो भाई लोग टच पोर्टल का इंस्टॉलेशन करके हम लोगों ने अपना स्ट्रीमिंग PC एक बार रीस्टार्ट कर लिया है। अभी हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर, अभी हम लोग सर्च करके डाउनलोड करेंगे OBS वेब सॉकेट। तो सर्च करते हैं OBS वेब सॉकेट और पहला ही जो लिंक आ रहा है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और जो पेज खुलेगा उस पर ऊपर लिखा है OBS वेब सॉकेट रिमोट कंट्रोल OBS फ्रॉम वेब सॉकेट्स, और सामने एक बटन है गो टू डाउनलोड्स का, क्लिक करते हैं इस पर। नेक्स्ट पेज जो खुलेगा उसमें हम लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करके हम लोगों को देखना है कि कौन सा वर्जन एक्चुअली हमारा काम का है जो हमको डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ डाउनलोड विंडोज़ के लिए, OBS वेब सॉकेट 4.8 विंडो इंस्टॉलर EXE, क्लिक करते हैं इसको। छोटी सी फाइल होनी चाहिए, 4.5 MB के आसपास है और ये भी डाउनलोड हो जाएगी, तो इसको भी हम लोग जल्दी से इंस्टॉल करेंगे और ये हमारा जो OBS स्टूडियो है उसमें एज ए प्लगइन ऐड हो जाएगा। ओके, तो इंस्टॉल करते हैं इसको जल्दी से और मोर इन्फो रन एनीवे वो सिक्योरिटी यस, और पूरा सेटअप टिपिकल वही सेटअप जो होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट कंटिन्यू एनीवे, नेक्स्ट इंस्टॉल। और एज सून एज द इंस्टॉलेशन कम्प्लीटेड, यहाँ हमारा जो स्ट्रीमिंग PC था उसका काम पूरा हो गया। हम लोगों ने टच पोर्टल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया और अपने जो OBS है उसमें एक प्लगइन भी जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे, या आपके पास अगर कोई पुराना स्मार्टफोन है, मैं आपको बताऊँ मेरे पास 6 से 7 साल पुराना एक iPad है, उस पर भी टच पोर्टल डाउनलोड करके इजीली वर्क कर रहा है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर बहुत लो स्पेक्स वाला स्मार्टफोन भी है तो भी वो इजीली काम करेगा। तो चलते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे, वहाँ पे ही फटाफट से आपको डाउनलोड करते हैं और फिर दोनों को आपस में कॉन्फ़िगर करते हैं। तो भाई लोग आ गए हैं हम लोग अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे, ओपन करते हैं प्ले स्टोर और डाउनलोड करते हैं टच पोर्टल।
एक बात आपको ध्यान रखने की है कि इस ऐप के जो डेवलपर हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा। ऐप के डेवलपर का नाम है रेल्स। इंस्टॉल करते हैं जल्दी से, यहाँ भी छोटा सा इंस्टॉलेशन होगा, फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सिंक करने वाले हैं। तो ओके, ऑलरेडी इंस्टॉलिंग और फाइनली इंस्टॉल्ड। अभी हम लोग दोनों को सिंक करते हैं अपने OBS को इस ऐप से जल्दी से। तो भाई लोग, अब हम लोग अपने टच पोर्टल को कन्फिगर करते हैं अपने OBS के हिसाब से स्ट्रीमिंग PC पे। तो क्लिक करके ओपन करते हैं इसको, और एक जो बेसिक सेटअप होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो मेरे ख्याल से पहली बार रन होने वाला है यहाँ पर। और उसके बाद ओके, सो इट इज़ डाउनलोडिंग एंड अपडेट, जल्दी से अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद एक मेरे ख्याल बेसिक एक विज़ार्ड चलना चाहिए, और जो भी बेसिक सेटअप होता है, लैंग्वेज वैंग्वेज क्या होगी और सो ऑन, जो भी प्रेफर होता है। तो देखते हैं जल्दी से स्क्रीन अपीयर होती है यहाँ पर। तो ओके, सो वी आर चूजिंग इंग्लिश, नेक्स्ट, और हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं OBS के लिए इसको नेक्स्ट। ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट OBS व्हेन नॉट कनेक्टेड, हाँ ठीक है। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू पेज अ बटन ऑटोमेटिकली एड्स, ये भी ठीक है, नेक्स्ट। और स्टार्ट करते हैं इसको अभी। ओके, तो ये इंटरफेस हमारे सामने है। तो यहाँ पे आप देखें कि बेसिक सेटअप जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप नंबर ऑफ बटन्स घटा बढ़ा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, वो ये कि यहाँ से अगर आप बिल्कुल बॉटम लेफ्ट में अगर आप क्लिक करते हैं, तो आप ये देखिए कि USB कनेक्शन का भी एक ऑप्शन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वाईफाई जिसके थ्रू आपका फ़ोन कनेक्ट होगा उसमें कुछ डिले है या कुछ प्रॉब्लम उसमें आ सकती है, तो आप USB केबल के थ्रू इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा सिक्योर कनेक्शन होगा। तो भाई लोग, अभी कनेक्ट करते हैं अपने टच पोर्टल को OBS से। हम लोग खोलते हैं सेटिंग्स, और सेटिंग्स में मेन्यू में आएगा नीचे, देखिए ऑप्शन होगा OBS, क्लिक करते हैं इस पर। और क्लिक करने के बाद लोकल होस्ट ही है हमारा, और इसको कर देते हैं ऑटो कनेक्ट, सेव। और अभी आप देखेंगे कि हम लोग फटाफट से OBS से कनेक्ट हो जाएंगे। क्लिक करते हैं कनेक्ट विद OBS, और ये नीचे मैसेज आ गया हमको कि न्यू वेब सॉकेट कनेक्शन हो गया है, हमारे OBS से कनेक्ट है। टच पोर्टल सॉफ्टवेयर में अब हम लोग एक दो नए बटन्स ऐड करेंगे जो हमारे OBS में अलग अलग सीन हैं उनके रिलेटिव। यहाँ पे आप देखिए दो स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक पे क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट का नाम दे दूंगा, यहाँ पे बटन का नाम दूंगा अपने जो OBS में सीन है उसके हिसाब से। ये होगा स्ट्रीम स्टार्टिंग सून, स्ट्रीम स्टार्टिंग सून के नाम से एक सीन है मेरे OBS में। और कलर में इसका वाइट रहने दूंगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हटा देते हैं, सॉलिड बैकग्राउंड हो, और कलर रख देते हैं जिससे कि ये स्टैंड आउट करे बटन जो है। ओके, तो सेव, और आप ये देखिए नया बटन आ गया। अब हम लोग इस पे इसको प्रेस करने से इस बटन को क्या फंक्शन ट्रिगर होगा उसको कन्फिगर करते हैं। क्लिक करते हैं इस पे, और ये जो लेफ्ट पेन आप दिख रहे हैं उसमें ये है OBS, और OBS में जो सब मेन्यू खुला हुआ है उसमें हम लोग क्लिक करेंगे सेट सीन। जैसे ही आप इसमें यहाँ पे सेट सीन करेंगे और यहाँ पे आएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो सारे सीन हैं जो ऑलरेडी हमारे OBS में है। मैं आपको अपना OBS खोल के दिखाता हूँ अभी। और जैसे ही OBS खुलेगा, आप ये देखेंगे कि जो सीन यहाँ पे शो हो रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में, ये है स्ट्रीम स्टार्टिंग सून, गेम सीन, कस्टम रूम एट्सेट्रा। और यही आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर जो है वो यहाँ पे है, स्ट्रीम स्टार्टिंग सून, गेम सीन। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रीम स्टार्टिंग सून, और इसको हम लोग करते हैं सेव। इसके अलावा एक बटन और बनाते हैं, क्लिक करते हैं इसको, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देते हैं अगली चीज़ गेम सीन। गेम सीन जो है वो दूसरा सीन है, इसको भी वाइट रहने देते हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हटा देते हैं, और इसको रख लेते हैं हम लोग ब्लू। ऑब्वियसली आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन और है जहाँ पे आप अलग से एक आइकन यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई छोटी मोटी जेफ एक अलग से यहाँ पे लगा सकते हैं आप। और ये जो ब्लू कलर है उसकी जगह वो एक पिक्चर जो भी आप शो आप सेलेक्ट करेंगे वो आएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रीम डेक में होता है। तो यहाँ पे भी इसका जो एक्शन है उसको कन्फिगर करते हैं थोड़ा सा नीचे आके सेट सीन, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मैं सेलेक्ट करता हूँ गेम सीन को और सेव करते हैं इसको। तो ये दो सीन हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, दो बटन क्रिएट किए हैं सॉरी, एक स्ट्रीम स्टार्टिंग सून और एक गेम सीन। अब हम लोग आते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और मोबाइल की स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि उस ऐप को जो ऐप हम लोगों ने डाउनलोड किया था टच पोर्टल, उसको हम लोग इस सॉफ्टवेयर से कैसे कनेक्ट करने वाले हैं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन है। ओपन करते हैं इस पे टच पोर्टल, और यहाँ पे सिंपल सेटअप है शुरुआत का, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा आ रहा है टच पोर्टल फाउंड, फिनिश करते हैं इसको। कनेक्टिंग विद कंप्यूटर,
और एक दो बार रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने पे भी अगर ये नहीं आता है तो आप एक बार इस ऐप को क्लोज़ करिए और एक बार से दोबारा इसको ओपन कर लीजिए। और देखिए, आप जैसे ही आप रीओपन कर रहे हैं तो नीचे दो बटन्स आ रहे हैं जो कस्टमाइजिंग बटन हैं, स्ट्रीम स्टार्टिंग सून और गेम सीन। ये दोनों बटन्स आ रहे हैं। अभी हम लोग खोलते हैं अपना ओबीएस, और ओबीएस में आपको दिखाता हूँ मैं। और अभी देखिए कैसे हमारे ओबीएस में सीन जो है वो चेंज होते हैं। मैं अपने स्मार्टफोन पे टैप करता हूँ स्ट्रीम स्टार्टिंग सून, और ओबीएस में आप देखिए सीन चेंज हो गया है। और अभी टैप करता हूँ मैं गेम सीन, और अभी आप देखिए ओबीएस जो है वो गेम सीन पे स्विच हो गया। तो इतना इजी है, इतना सिंपल है सीन को चेंज करना, ओबीएस को कंट्रोल करना। और यहाँ पे आप कितने भी बटन क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल जो फ्री वर्जन है हमारे पास उसमें बटन्स क्रिएट करने की लिमिटेशन है एक, लेकिन जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनको अगर ध्यान में रखें तो फ्री वर्जन में ही हमारा मोस्टली काम हो जाना चाहिए। एक बार फिर मैं आपको डेमो देता हूँ स्ट्रीम स्टार्टिंग सून और गेम सीन। सो भाई लोग, दिस इज़ द इजिएस्ट वे जिसमें हम लोग अपने एक स्मार्टफोन को स्ट्रीम डेक की तरह इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपकी काफ़ी मदद करेगा लाइव स्ट्रीम करते हुए। अगर आपको ये सब सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, पूछिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अभी तक नहीं किए हैं तो, और वो घंटे वाला बटन आपको ज़रूर दबाना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होता है। जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आपको पता लगता है कि नई वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।